भारताच्या प्रथम क्रमांकावरील फॅशन ब्रँड असणाऱ्या मॅक्स फॅशनतर्फे शानदार सोहळ्यामध्ये मॅक्स किड्स फेस्टिवल 2018 समारोप झालाय. याची अंतिम फेरी शनिवारी 26 मे रोजी पुण्यातील सीझन्स मॉलमध्ये पार पडली. मॅक्स फेस्टिवल हे मुलांना त्यांची बुद्धिमत्ता दाखवण्यासाठीचं व्यासपीठ असून त्या माध्यमातून त्यांना त्यांच्या शहरामध्ये ओळख मिळवून दिली जाते. त्यातून या चिमुकल्यांना गायन, नृत्य, चित्रकला आणि फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा यातील कौशल्य दाखवण्याची संधी मिळाली आहे. या स्पर्धेत 5,000 प्रवेशिका प्राप्त झाल्या होत्या. यातील स्पर्धकांनी आपल्यातील टॅलेंटने उपस्थितांची मने जिंकली. पुण्यातील मॅक्स किड फेस्ट 2018 अंतिम फेरीत आरोही आहेर, सस्मिता रामडुगू, नीरा करे, नैतिक नगरकर यांनी अनुक्रमे फॅन्सी ड्रेस, गायन, चित्रकला आणि नृत्य स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवला. प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्री रिद्धी डोगरा यांनी शोचे निरीक्षण केले. त्या लहान वयात मुलांमधील आत्मविश्वास थक्क करणारा आहे. त्यांच्यातील प्रत्येकजण जन्मता स्टार आहे. एवढ्या मोठ्या गर्दीसमोर त्यांनी केलेलं सादरीकरण खरोखरच कौतुकास्पद आहे. मॅक्स फॅशनने घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल मला धन्यवाद द्यावेसे वाट. या सोहळ्यातून मी अनेक अविस्मरणीय क्षण घेऊन जाणार आहे. सर्व मुलांनी अशीच प्रगती करत राहावी यासाठी माझ्याकडून शुभेच्छा. बच्चों की जो एनर्जी होती है वो बहुत कमाल की होती है. बहुत अनइनहिबिटेड होते हैं बच्चे इस एज पे. दे डोंट केयर अबाउट क्या सही है क्या गलत है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा. तो आज मैं बहुत कुछ सीख के गई हूँ यहाँ से. अनइनहिबिशन थोड़ी सीख के गई हूँ कि आपको अगर किसी चीज़ का शौक है करते रहिए और दुनिया की परवाह मत करिए. बहुत टफ था मेरे लिए, तो बहुत ही टफ था. मैं जब जज भी कर रही थी तो मैं बोल रही थी कि हाउ डू आई जज दिस, व्हाई आर वी जजिंग किड्स. बच्चों को जज करना बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज वो अपनी इनोसेंस में और उनके लिए सब नया है. तो यू नो समवन इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द शेल और वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. बट आई हैव टू गिव इट टू मैक्स. ये जो किड्स फेस्टिवल उन्होंने पिछले 7 सालों से चल रहा है एंड इट्स I have actually come to judge Max Kids Festival long back, जब ये टीम नहीं थी, so they probably don't know. And तब से लेके अब तक वैसा ही, in fact it's gone bigger and it's really really great. बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ पे आके और बच्चे seriously बहुत सारी energy मुझे दे चुके हैं. I think यही कि छोटे बच्चे hi Vinam. छोटे बच्चे जब परफॉर्म करते हैं, जब यू नो किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं, यू नीड टू गो ईजी ऑन देम. और नॉर्मली वेन यू जज समथिंग लाइक दिस, आपको एनर्जी से पता चल जाता है कि ओह ओके, पेरेंट्स जो बच्चे जीते नहीं उनके पेरेंट्स टेंस्ड हो चुके हैं. लेकिन यहाँ पे वैसा माहौल नहीं था. एवरी वन इज टेकिंग इट इन द लाइट स्पिरिट. दैट्स हाउ इट शुड बी टेकन. इट्स अ वीकेंड थिंग, यू नो इट्स द ग्रैंड फिनाले एंड इट्स सपोज टू गिव एवरी वन जॉय एंड हैप्पीनेस. You know, so I think it's a great initiative by Max and parents need to have that kind of jigger. You know. Max Fashionचे सहायक उपाध्यक्ष पियुष शर्मा म्हणाले, मॅक्स हे कुटुंबासाठी शॉपिंग करण्याचं महत्त्वाचं ठिकाण. त्यांना आणखी जवळ आणण्यासाठी आम्ही विविध योजना आणि उपक्रम राबवत असतो. मुलांसाठी फेस्टिवल आयोजन करण्यामागे त्यांची सुट्टी आनंददायक करण्याचा हेतू. या माध्यमातून त्यांना त्यांच्यामधील कौशल्याची जाणीव व्हावी आणि त्याचा वापर करण्याची भविष्यात प्रेरणा मिळावी हा हेतू. आय थिंक मॅक्स ॲज अ फॅमिली स्टोर ब्रँड, किड्स इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द सेंटर. और यह हमारा 7वां एडिशन है किड्स मॅक्स फेस्टिवल का. आय थिंक डे बाय डे इट इज गेटिंग बिगर एंड बिगर. और आय थिंक बच्चों का समर्स और हम एन्जॉयफुल बनाने के लिए हमने ये इवेंट कनेक्ट किया था. और लगभग पूना में से 5,000 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. और फिर फाइनल में वी हैव सीन 40 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स एंड आई थिंक इट इज अ फन. एवरी किड व्हिच इज पार्टिसिपेट इन टू दिस इवेंट इज अ स्टार एंड जबरदस्त. पुणे के सब लोगों ने बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया. हम चाहते हैं कि मैक्स एज अ ब्रांड वी कीप कनेक्टिंग द किड्स इन कमिंग इवेंट्स एज वेल.
हमारा जो स्टोर है इसमें किड्स इज अ सेंटर थॉट और बच्चे हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे स्टोर्स में शॉपिंग करते हैं. आई थिंक दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर किड्स टू शोकेस देयर टैलेंट. और अभी छुट्टियाँ भी है बच्चों की, तो उसकी छुट्टियों को और रोमांचक बनाने के लिए हमने ये किया है. और आई थिंक 5,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है. आई थिंक इट्सेल्फ इज़ एन अचीवमेंट. सो आई थिंक इट इज़ गेटिंग बिगर एंड बिगर डे बाई डे. इसे कोई भी दबाव में आके ये ना करे, अपना एंजॉय करे, खेले कूदे और अपने टैलेंट्स को शोकेस करे. एंड उनकी छुट्टियों के लिए मैं हमारी मैक्स फैमिली की तरफ से शुभकामनाएं. मैक्स किड फेस्टिवल चे हे 7वे वर्ष होते आणि त्यासाठी मिळालेला प्रतिसाद तुफान होता. आजच्या मुलांमध्ये असणाऱ्या टॅलेंटला प्रोत्साहन देण्याचं हे काम आम्ही येणारे अनेक वर्ष असे सुरू ठेवू अशी मला आशा वाटते. प्रतिनिधी युवराज नायर, ब्युरो रिपोर्ट, पुणे.